नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपकी एयरटेल की सिम है और आपकी कॉल फॉरवर्डिंग ऑन हो गई है तो कैसे उसे डिसेबल करेंगे, कैसे उसे बंद करेंगे। दोस्तों एयरटेल में कॉल फॉरवर्डिंग को डिसेबल करने के लिए आपको दो तरीके बताऊँगा, आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीका को अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एयरटेल में अपने कॉल फॉरवर्डिंग ऑफ करने के लिए, डिसेबल करने के लिए यहाँ पे ओपन करते हैं डायलर पैड को। डायलर पैड ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको तीन लाइन दिख रहा होगा तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। मेरा EMI का फोन है इसलिए ये तीन लाइन यहाँ पे है, आपके केस में ये यहाँ पे भी हो सकता है, सैमसंग या फिर और अन्य कंपनी के फोन में यहाँ पे होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके फ़ोन में ये तीन लाइन कहाँ पे है। मैं यहाँ पे इस तीन लाइन पे क्लिक करता हूँ। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेटिंग और आइडेंटिफाई फोन नंबर। तो आपको क्लिक करना होगा सेटिंग पे। अब सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपके फ़ोन में अगर दो सिम लगे होंगे तो यहाँ पे आपको दो दिखलाएंगे, अगर एक सिर्फ एयरटेल का है तो यहाँ पे सिर्फ एक एयरटेल का दिखलाई देगा। मेरे फ़ोन में दो सिम है और मैं अपना एयरटेल की सिम को कॉल फॉरवर्डिंग को डिसेबल करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इस एयरटेल पर। इसके बाद फिर से आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे वॉइस पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपके फ़ोन में कुछ टाइम लग सकता है क्योंकि आपकी सेटिंग को ये रीड कर रहा है, यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि दोस्तों मेरे नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव है और इस नंबर पे मेरा कॉल फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसे डिसेबल करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। और यहाँ से चाहें तो आप अपने नंबर को अपडेट कर सकते हैं किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करने के लिए, यहाँ पे इस नंबर को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें इस नंबर को चेंज नहीं करना है, हमें परमानेंटली डिसेबल करना है, इसे ऑफ करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा टर्न ऑफ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ से दोस्तों आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग ऑफ हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्डेड ऑफ हो चुका है। तो यहाँ से आते हैं हम बैक और चलते हैं अपने दूसरे सेटिंग की तरफ। दूसरे मेथड से अपने कॉल फॉरवर्ड को डिसेबल करना बड़ा ही सिंपल काम है। इसके लिए आपको ओपन करना होगा अपना डायलर पैड और आपको अपने डायलर पैड में टाइप करना होगा HHH21। और अपने एयरटेल के सिम से आपको कॉलिंग करना है, कॉलिंग वाले बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे हम कॉलिंग पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, आपकी स्क्रीन यहाँ पे बिल्कुल सादा हो जाती है और इसके बाद यहाँ पे आपकी कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग ऑफ हो जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग इरेज सक्सेसफुली, मतलब कि हमारे नंबर से कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग इरेज हो चुका है। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से एयरटेल के सिम में अपने कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग को डिसेबल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।